नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज वेबिनार सेमिनार्स मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑल एंड ऑल हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिछले वीडियोज में ऑप्शन क्या है, कॉल पुट्स क्या है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन ग्रीक्स पर बातचीत शुरू करी, जहां पर हमने ऑप्शन ग्रीक डेल्टा पर जो मेरे अपने विचार हैं, जो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं, वो शेयर की। आज इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। आज जिस ग्रीक के बारे में बात करना चाहते हैं, उस ग्रीक का नाम है थीटा। जानने की कोशिश करेंगे कि थीटा क्या है, कैसे हमारी हेल्प करता है। ऑप्शन अगर आप बाय करके चलते हैं तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये देखेंगे। ऑप्शन सेल करते हैं तो आपने अपने ध्यान को कहाँ पर रखना है। इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो पूरी से पूरी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल होगी, थ्योरी का कोई लेना देना नहीं होगा। आपको वो चीज़ देने की कोशिश करूंगा जो आपको कल सुबह ट्रेड लेने में हेल्प करे। इन्फॉर्मेशन वो दूंगा जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। एक 10, 12, 15 साल का बच्चा भी अगर इस वीडियो को तसली शिद्दत से देखता है, सीखता है, तो वो बात को समझ जाएगा। अब बिल्कुल भी एक मिनट का डिले नहीं होगा, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये थीटा है क्या। हाँ, एक चीज़ कह देता हूँ, जैसा मैंने अपने थंबनेल में आपको लिख करके दिया कि वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को तसली से देखते हैं, चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं और ऑप्शन को बाय करके चलते हैं या सेल करके चलते हैं, मोटा मोटा आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं, तो आज के बाद थीटा का डर आपके दिमाग में खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए चलिए, मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये कि ऑप्शन चेन है सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे मैंने ओपन की हुई है। इस समय चलता बाजार है, दोपहर को 3 बजे के आसपास का टाइम है, 28 जून का आज का दिन है। तो भगवान की दया से ये जो आप डेटा देख रहे हैं और चेंज हो रहा है, ये चलते बाजार का लाइव डेटा है। बाजार इस समय चल रहा है, लाइव डेटा में आज आपको इन्फॉर्मेशन में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने जुलाई 4 जुलाई एक्सपायरी का, जुलाई एक्सपायरी की मैंने ये ऑप्शन चेन ओपन की हुई है। ये ऑप्शन चेन आप जो देख रहे हैं ये 4 जुलाई की है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, थीटा क्या एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताने की कोशिश करता है, क्या चीज़ नहीं है। थीटा का सीधा सीधा मतलब है कि ऑप्शन का कुछ प्रीमियम है। हम ये जानते हैं कि जो ऑप्शन होते हैं ये सेल्फ डेप्रिशिएटिंग, ये वेस्टिंग एसेट्स होती हैं। मतलब हमें पता है कि ऑप्शन कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी ना वैल्यू टूट जाती है, वैल्यू गलती है, ये पड़े पड़े अपनी वैल्यू खत्म कर देता है। ये उस तरह से आप समझ लीजिए कि ये बर्फ का टुकड़ा है। आप फ्रिज चले जाइए, बर्फ का टुकड़ा निकाल के ले आइए और बर्फ के टुकड़े को प्लेट में रख दीजिए, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि बर्फ गायब हो जाएगी। उसी तरह से पानी को गैस पर रख दीजिए, गैस चला दीजिए, थोड़ी देर में देखेंगे कि पानी उड़ जाएगा। तो आप ऑप्शन को समझ लीजिए कि जो ऑप्शन है ना वो पानी है और आपने गलती से उसको गैस के ऊपर रख दिया है, तो थोड़ी देर में समझ लीजिए कि आपके पानी का क्या होने वाला है। इसको कहते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट, इसको कहते हैं वेस्टिंग एसेट, इसको कहते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा ना, अपनी जगह पर पड़ा रहेगा ना, तो भी इसकी कुछ वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये है ऑप्शन, बायर सेलर बाद में, पहले ऑप्शन क्या है वो ये है। अब अगला सवाल खड़ा होता है भाई साहब कि ये इतनी दुनिया जान की स्ट्राइक प्राइसेस हैं और ये इतनी दुनिया जान की ये जो ऑप्शन के जो रेट होते हैं कि ये सारी की सारी भाई साहब हवा होती है, कि ये सारा का सारा पानी होता है जो बुलबुला बन के खत्म हो जाता है? नहीं, इसके लिए हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑप्शन का प्रीमियम देख रहे हैं ना, ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइसेस है, ये स्ट्राइक प्राइसेस के यहाँ पर ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइसेस हैं, LTPs लिखे हुए हैं और इनका सीधा सीधा मतलब है कि जो कॉल है इस समय ये कहता है कि जुलाई का जो ATM स्ट्राइक है वो 24,100 है और 24,100 की जो कॉल है वो आपको 3523 रुपए की मिल रही है इसके हिसाब से इस समय। तो अगला सवाल खड़ा होता है मेरे भाई का कि भाई साहब ये जो 3523 रुपए है, ये 3523 रुपए एक्चुअली में है क्या? ये प्रीमियम तो है, पर इस प्रीमियम के हमें थोड़ा सा पीछे जाना है और वहां जाना है जहां पर हम आपको ये कहते हैं कि ये प्रीमियम दो चीजों से मिलकर के बनता है। टेक्निकली ये बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू। लेमैन लैंग्वेज में समझिए तो ये एक चिप्स का पैकेट है। चिप्स के पैकेट में समझ लीजिए कि कुछ चिप्स हैं और कुछ हवा है। चिप्स की कीमत है, हवा तो हवा है। ये है ऑप्शन का प्रीमियम का बाइफर्केशन। कोई आपसे पूछेगा ना कि ऑप्शन का प्रीमियम है, ये ऑप्शन के 100 रुपए हैं, इस 100 रुपए को बाइफर्केट करके बताओ, तो वो आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बता और एक्सट्रिंसिक वैल्यू बता। तो ऑप्शन का प्रीमियम याद रखिएगा दो चीजों से बनता है, जैसा मैंने क्या दिया, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। आमतौर पर लोगों को एक्सट्रिंसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, पर आप समझ लीजिए कि जो एक्सट्रिंसिक होता है वो टाइम वैल्यू होती है या वो थीटा डिके होता है या वो थीटा वैल्यू होती है। अब हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि ये जो ऑप्शन होती है वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, मतलब वो अपनी वैल्यू खत्म कर देती है
एक्सपायरी अपनी एक्सपायरी तक आते आते, मतलब ये 4 जुलाई तक आते आते ना, आप ये मान लीजिए कि जितने भी ऑप्शंस के जितने भी प्राइजेस हैं, इनकी जो भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होगी ना या टाइम वैल्यू होगी, भाई साहब वो जीरो हो जानी है। ऑप्शन का यही कॉन्सेप्ट है, अपनी एक्सपायरी के दिन ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा उसमें से टाइम वैल्यू पूरी निकल जाएगी, सिर्फ उसमें क्या रह जाएगा, उसमें सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी। यह है थीटा का असली सत्य। अब आपका सवाल खड़ा होता है कि भाई साहब ये तो आपने बता दिया कि यहां पर ये भाई साहब ये जो प्रीमियम सामने दिख रहा है ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू को मिलकर के बना है, अब हमें ये कैसे पता चले भाई साहब? ये अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा है। अब हमें ये बताओ कि इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी? आसान है, पुराने वीडियोस में डाला है, 2 मिनट लगा करके आपको बता देता हूँ। ये तो वही बात हुई भाई साहब, 100 रुपए का आपने ही बता दिया, ये 100 रुपए का चिप्स का पैकेट है, पर पैकेट बंद है। भाई साहब ये बताओ कि इसमें से चिप्स कितने की और हवा कितने की? कैलकुलेशन हम 2 मिनट में करते हैं, पर समझ लीजिए बात ये कि एक्सपायरी के दिन आते आते जो ऑप्शन का प्रीमियम आपको सामने ये दिख रहा है ना, कॉल और पुटो का, चाहे इन द मनी हो चाहे आउट ऑफ द मनी हो, भाई साहब इसमें से एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब टाइम वैल्यू मतलब थीटा वैल्यू मतलब थीटा डिके मतलब प्रीमियम का गलना मतलब हवा हो जाना, वो है आपका टाइम वैल्यू। से मतलब है कि जब आपकी ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के आसपास पहुंचेगी, इसमें से टाइम वैल्यू निकल करके जीरो हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। तो क्या भाई साहब ये जो इसमें से टाइम वैल्यू निकल के जीरो हो जाएगी, क्या वो सारी की सारी 4 तारीख को जीरो होगी? बिल्कुल भी नहीं। रोज थीटा डिके रोज होगा। आज 3:30 बजे बाजार बंद होगा, सोमवार को बाजार खुलेगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार खुलेगा, जब बाजार खुलेगा तो उसमें से उसकी थीटा की वैल्यू निकल करके हवा हो जानी है। आगे सवाल खड़ा होता है समझने के लिए, तो जब पानी को गैस के ऊपर रख देते हैं और गैस को चला देते हैं तो क्या पानी एक ही बारी में सारा का सारा उड़ जाता है? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करके उड़ता है और लास्ट में बहुत तेजी से उड़ता है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर है भाई साहब। ऐसे समझ लो कि ये जो आपको प्रीमियम दिख रहा है इसमें से थीटा का डिके, थीटा की वैल्यू ने जीरो होना है। कब तक जीरो होना है भाई साहब? अपनी एक्सपायरी तक जीरो होना है। जो 4 तारीख की चेन होगी तो 4 तारीख की चेन के अंदर में जितना भी उनके प्रीमियम्स में थीटा होगा वो जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार 4 तारीख से निकल करके अगर मैं 25 जुलाई को चला जाऊं तो 25 जुलाई के अंदर में इन प्रीमियम्स में जितना भी थीटा वैल्यू होगा वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। ये समझे। अब आते हैं और मजे की चीज पे, 4 जुलाई पर आ जाइए। 4 जुलाई पर ATM की स्ट्राइक 24,100 की आपको 3448 रुपए की मिलती है। अब आपको आपके काम की और इन्फॉर्मेशन देने शुरुआत करता हूं, और वो ऐसे समझिए ATM और उसके नीचे का जितना भी आउट ऑफ द मनी है, 24,100 ATM है, पीले वाले रीजन इन द मनी, इधर पीले वाले पुटो इन द मनी, सफेद वाले आउट ऑफ द मनी, सफेद वाले कॉल के आउट ऑफ द मनी, जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है वो इन द मनी, एट द मनी। एट द मनी के ऊपर और आउट ऑफ द मनी में जितना भी प्रीमियम देख रहे हो ना, ये सारा का सारा प्रीमियम, याद रखो दोबारा बोलता हूं, एट द मनी पे और आउट ऑफ द मनी पे जितना भी प्रीमियम देख रहे हो वो सारा का सारा भाई सब टाइम वैल्यू है। हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आज पता चल जाए, हो सकता है आपको पहले से पता हो, पर मैं जान के चलता हूँ भाई साहब कि मेरी जो ऑडियंस है उसको सब कुछ पहले से पता है, पर चलो शायद कोई एक आधा होगा मेरे जैसा जिसको नहीं पता होगा, तो उसके लिए ये एक लर्निंग लेसन हो जाएगा कि एट द मनी पर और ये आउट ऑफ द मनी सारा का सारा रीजन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा जो प्रीमियम है ना भाई साहब, ये सारा का सारा प्रीमियम एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, थीटा डिके है। कुछ मत करो, अगर बाजार यहीं का यहीं रुक गया ना, इसी जगह पर बाजार रुक जाए ना, इस समय जहां पर बाजार है, और 4 जुलाई को आकर के देख लो, तो आपको ये तो सारे के सारे जीरो नजर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तो सारे के सारे टाइम वैल्यू है, बल्कि जो इन द मनी कंपोनेंट में भी जो टाइम वैल्यू का प्रीमियम है ना, वो भी उसमें से हवा हो जाएगा। ये ऑप्शंस का असली सत्य है, ये ऑप्शंस का असली कॉन्सेप्ट है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ऑप्शन खरीद करके बैठे हैं, अगले दिन सुबह उठ करके हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, मेरा 5,000 का माल 4,500 का कैसे रह गया, बाजार तो वहीं का वहीं है। भाई साहब बाजार भी वहीं का वहीं है, आपकी ऑप्शन भी वहीं का वहीं है, जो 500 रुपए हवा हो गए ना, वो 500 रुपए भाई साहब आपके थीटा डिके के हवा हो गए। तो उठ के बैठे, जरा सपने से बाहर आए ऑप्शन ट्रेडर्स, ये थीटा इस प्रकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक्चुअली में दुश्मन किसके दुश्मन है, सबसे बड़ा बायर का दुश्मन है, कि आप यहां पर कोई माल खरीदते हो, ये आपने माल खरीदा 24,100 का, आपने 3,292 रुपए पे माल खरीदा और बाजार कहीं पर भी नहीं गया, तो विश्वास जानो भाई साहब कि ये सोमवार को अपने 300 रुपए इनमें से वैल्यू निकल जाएगी। जो आपको आज 4,000 रुपए का माल दिख रहा है ना, या 3,300 का माल दिख रहा है, ये सोमवार को आपको 3,000 रुपए का माल दिखेगा, अगर बाजार यहीं का यहीं रह गया और थोड़ी देर 15-20 मिनट हमारे डिस्कशन होते होते, आप सोमवार को इसको देख लेना, इसमें से इसका थीटा निकल जाएगा। अभी तक मैंने क्या बताया, एट द मनी आउट ऑफ द मनी सारा का सारा प्रीमियम थीटा होता है, इन द मनी में भी थीटा होता है, एक्सपायरी के दिन आते आते आउट ऑफ द मनी और उसके सारे के सारे प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, इन द मनी के अंदर में थीटा कंपोनेंट जीरो हो जाता है।
आई होप अभी तक मैं कम से कम पिछले 10 मिनट में आपको ये तो बता पाया कि मेरे भाई थीटा क्या है, थीटा गलता है, हमने बहुत बार सुना है थीटा गल जाता है, वैल्यू टूट जाती है, वैल्यू टूटती है, ऑप्शन अपनी वैल्यू छोड़ जाता है, डिके कर जाता है, प्रीमियम गल जाता है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकल जाती है, टाइम वैल्यू निकल जाती है, इसको आप जिस मर्जी नाम से जान लो भाई साहब, पर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऑप्शंस के प्रीमियम दो चीजों से बनते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो जो रियल वैल्यू होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू को टाइम वैल्यू या थीटा कहा जाता है। एक्सपायरी के दिन आते आते आपके ऑप्शंस में से रोज दर रोज 3:30 से लेकर के अगले ट्रेडिंग सेशन ओपन होने तक आपका थीटा डिके होता ही होता है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू है और टाइम वैल्यू ने अपनी एक्सपायरी आते आते जीरो होना ही होना है। आपको ये इंफॉर्मेशन भाई साहब 10 बार सुननी पड़े ना, आप 10 बार सुनना, पर थीटा पर यही ज्ञान है, यही सच्चाई है और यहीं से थीटा की शुरुआत होती है। इसके बाद जितनी भी बातें होंगी ना वो सब सामने आपको क्लैरिकल दिखेंगी, पर अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना जो मैं आपको बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूं, मैं इतना रिपीट कर रहा हूं सेम चीज को कि किसी भी तरीके से दिमाग में घुस जाए, और एक बार दिमाग में फिट हो गया ना उसके बाद थीटा की कहानी खत्म। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आइए भाई साहब आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपने क्या करा, अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे और अब आपके पैसे बचाएंगे। ऑप्शन बायर, पहले हम ऑप्शन बायर का पैसा बचाएंगे फिर हम ऑप्शन सेलर का पैसा बनाएंगे। देखिए कैसे, मान लेते हैं बाजार इस समय आप एटीएम एक मिनट के लिए इजी कैलकुलेशन मेरे बोलने की सहूलियत के लिए मान लीजिए कि बाजार 24,000 पर है, ये 24,000 स्ट्राइक प्राइस है, आप 24,000 की कॉल खरीदते हो, आपको मिलती है 4,400 रुपए की भाई सब सामने, ये 4,408 रुपए है, पर इजी 44 कभी 8 चल रही 50 चल रही है, लाइव बाजार है तो मैंने बोला ही है कि लाइव बाजार में रकम ऊपर नीचे होगी। ये 24,000 के ना सबसे लास्ट कॉलम में आ जाओ थीटा पे और यहां पर देख लो क्या लिखा हुआ है, -307। थीटा हमेशा माइनस में चलते हैं क्योंकि ये वैल्यू है, ये वैल्यू टूटती है, खत्म होती है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर थीटा का कंपोनेंट है। 307 रुपए, 309 रुपए, ये पता है आपको 307 309 रुपए क्या है? ये भाई साहब आपका रोज का होने वाला नुकसान है। ये मतलब है इसका कि 24,000 की कॉल खरीद लो भाई साहब आप 4 जुलाई की, बाजार कहीं पर भी ना गया ना तो रोज के 307 रुपए के हिसाब से अपनी ऑप्शन की वैल्यू को टूटते हुए देख लेना, ये होता है भाई साहब थीटा डिके। कुछ नहीं करोगे ना 4,400 रुपए में से 300 रुपए चले जाएंगे, पहला रियलाइजेशन। ये जाने ही जाने हैं, अब ये आपका स्किल है कि अब आप इसको कैसे कम कर सकते हो या कैसे बचा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर हो तो यहीं से खेल शुरू होगा आपका। ये 307 रुपए तो ये इनबिल्ट कंपोनेंट है, ये तो टूटेगा ही टूटेगा, अब ये आपका स्किल है कि आप इसको बचाओगे कैसे, वो हम आगे देखेंगे। गलती से एक आदमी ने 24,000 की कॉल खरीदी, उसको लगा बाजार ऊपर है मैं 24,000 की कॉल खरीद लेता हूं, तो उसको 4,300 रुपए के हिसाब से पैसे लगे और उसको पता चल गया कि उसके रोज के 300 रुपए टूटने हैं। अब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हो, यार मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मेरे 300 ना टूटे, मेरे कुछ कम टूटे या मेरे ना टूटे, क्यों नहीं कर सकते? आइए देखते हैं, थोड़ा सा इंदा मनी चलिए, 100 पॉइंट इंदा मनी चलिए 2,900 पे, 296 रुपए टूटेंगे, और 100 पॉइंट और इंदा मनी जाइए 270 रुपए टूटेंगे, थोड़ा सा और इंदा मनी जाइए 203 रुपए टूटे, 230 रुपए टूटेंगे। सर इतनी देर में ही आपके 70 रुपए बच गए हैं, 200-300 पॉइंट अंदर गए आपके पैसे बच गए, और चलिए 600 पॉइंट आप 400 पॉइंट अंदर गए भाई साहब आपके 190 रुपए टूटेंगे, आप 500 पॉइंट गलती से अंदर चले गए ना भाई साहब 23,500, तो भाई साहब आपके 150 रुपए टूट रहे हैं सिर्फ। ये रियलाइजेशन है यार, लोगों को नहीं पता इसके बारे में, ऑप्शन ट्रेडर को नहीं पता, ऑप्शन ट्रेडर को ग्रीक के बारे में नहीं पता, यहां पर मेरी समझ कहती है आपको जानना चाहिए। जैसे ही आप इन द मनी जाते हो वैसे ही आपका पहला रियलाइजेशन आपको मिलता है कि आपका थीटा डिके कम हो जाता है। ऑप्शन बायर हो ना, ऑप्शन बायर बन के ही रहना है, ऑप्शन बायर बन के ही सारी जिंदगी काम करना है, कुछ मत करो और ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि थीटा डिके मिलेगा आपको रात को, और इंट्राडे भी करना है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप अपनी थॉट को क्लियर करके चलोगे ना तो आपको वैसे भी क्लैरिटी मिलेगी और आप आगे बढ़ जाओ। आप जैसे ही इन द मनी जाते हो ना, देखो मैं नहीं कहता कि आप इन द मनी में ट्रेड करना शुरू कर दो, मैं तो आपको वो दिखा रहा हूं जो सामने रियलिटी है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि यार थीटा के ऊपर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो किसी ने क्लैरिटी नहीं दी, ये रियलिटी आपके सामने रियलिटी चेक चल रहा है कि जो मेरा भाई 24,000 की कॉल खरीद रहा था उसका 310 रुपए टूट रहा था, 300 रुपए टूट रहा था, और वहीं पर ही किसी मेरे भाई ने 23,000 की कॉल खरीद ली या 23,500 की कॉल खरीद ली, उसका 160 रुपए टूटेगा, 150 रुपए उसने ऐसे ही बचा लिए भाई सब अपने एक ऑप्शन में। अब आगे चलते हैं, आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, यहां पर मेरे को 24,000 पे 300 रुपए टूट रहे थे, वहां पर अगर मैं आउट ऑफ द मनी चला जाऊं तो आउट ऑफ द मनी में मेरा थीटा का लॉस कम होना शुरू हो जाता है।
आउट ऑफ द मनी में। आपका सवाल होगा भाई मैं फिर 24,000 क्यों खरीदूं, मैं 24,100 ले लेता हूं, मेरे 305 टूट रहे हैं, 24,200 ले लेता हूं, मेरे 278 टूट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप आउट ऑफ द मनी जाते हो तो आपका थीटा कम टूटता है। अब आपका दिमाग जैसे ऊपर चलता है वैसे नीचे भी तो चल सकता है ना, आपका दिमाग खराब है कि मैं महंगी कॉल खरीदूं, भाई मैं सस्ती कॉल क्यों ना खरीद लूं, तो मेरे को 24,000 कह रहा है मैं 24,500 ले लेता हूं, ये ले यहां पर मेरे 150 टूटेगा। आप जरूर कर सकते हो, पर एक बात याद रखना 24,500 का ना जरा एक बार डेल्टा चेक कर लेना जाकर के, जो वीडियो दो दिन पहले डला है, आपको आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि अगर आप थीटा के चक्कर में सस्ती कॉल किसी का वीडियो देख करके इस चक्कर में पड़ गए हो ना कि थीटा आउट ऑफ द मनी कॉल्स पे कम टूटता है, तो वहां पर डेल्टा को याद कर लेना। यही मैं आपको बताना चाहता था कि आपको तीनों ग्रीक अलग अलग भी सीखने हैं, फिर उन तीनों का कंसोलिडेटेड इंपैक्ट भी सीखना है। ये आपको मार यहां पर थीटा की तो नहीं पड़ेगी, पर डेल्टा की ठीक ठाक सी मार पड़ जाएगी। अभी तक मैं आपको यह बता पाया 4 जुलाई पे एट द मनी पे थीटा डिके सबसे ज्यादा होता है, यह बात याद रखना। अब ऑप्शन बायर हो क्या करो, इन द मनी चले जाओ, वहां देखो कि 200 400 500 पॉइंट इन द मनी जाकर के आपकी कोई ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपके फेवर में है नहीं है, वहां पर आप थीटा के लॉस को चेक करो। ऑप्शन के सेलर हो तो ऑप्शन के सेलर पर ऐसी स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करो जहां पर आपको थीटा का बेनिफिट सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि यही वो रकम है। क्यों ऑप्शन सेलर जो है, जो आयरन फ्लाई बेचते हैं, कॉन्डोर्स बेचते हैं, या जो भी कोई स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो जो आयरन फ्लाई वाले भाई हैं, वो आयरन फ्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है, वो एट द मनी कॉल पुट दोनों को बेच देते हैं। क्योंकि वो क्यों, आयरन फ्लाई क्यों कामयाब, दुनिया की क्यों नंबर वन स्ट्रेटजी आयरन फ्लाई, सबसे ज्यादा थीटा डिके यहाँ पर होना है, सबसे ज्यादा प्रीमियम का बेनिफिट आपको यहाँ होना है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, एटीएम दोनों तरफ एटीएम बेचता है, दोनों तरफ एक हैज लगा करके आराम से बैठ जाता है। खैर इसके बारे में फिर और बात करेंगे, अभी फिलहाल आपको बताने की कोशिश की कि ऑप्शन बायर है तो इन द मनी चले जाइए, ऑप्शन सेलर है तो एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करने की शुरुआत कीजिए। फिलहाल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम यहां तक पहुंचे, चलिए आपकी अब अंडरस्टैंडिंग को एक नेक्स्ट लेवल लेकर के चलते हैं। आइए मे बी आपको इसके बारे में शायद पहले नहीं पता होगा जो अब बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। 24,000 पर एक आदमी है वो, अब चलिए मान लेते हैं कि चलो आपका मन कर गया, चलिए यार मैं तो 24,000 पर ही काम करूंगा और 24,000 ही मेरे को समझ आता है। क्योंकि 24,000 क्यों समझ आता है मुझे, उसका भी कारण है, देखिए ना 24,000 हो सकता है, 24,000 आपको समझ आता है क्यों, क्योंकि 24,000 पर आपको यहां पर थीटा का लॉस तो आता है, पर 24,000 के ऊपर आपको डेल्टा का बहुत बेनिफिट आता है। कल के वीडियो में 24,000 पर डेल्टा होता क्या है कि डेल्टा जो है ना, डेल्टा एट द मनी और इन द मनी के, नियर इन द मनी की स्ट्राइक्स पे बहुत तेजी से डेल्टा बढ़ता है। आप डेल्टा का बेनिफिट लेना चाहते हो पर आप थीटा का लॉस कम देना चाहते हो, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो, देखो कैसे। 24,000 के ऊपर रोज के 300 टूट रहे हैं, 4 जुलाई से उठ करके 25 जुलाई में आ जाओ, मंथली एक्सपायरी आ जाओ, 24,000 की कॉल को देख लो और सरप्राइज, जहां पर आपके 4 जुलाई को रोज के 300 टूटेंगे वहां पर 4 जुलाई की जगह पर 25 जुलाई पर 24,000 की एक्सपायरी पर आपके सिर्फ 150 रुपए टूटेंगे। मे बी दिस इज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, मे बी दिस इज समथिंग न्यू, बट वट एवर इट इज वेरी हेल्पफुल। 24,000 की कॉल, या फॉर दैट मैटर 24,000 की कॉल पर आपने देखा कि आपका थीटा का जो लॉस है वो 150 रुपए है, आपने कहा ये तो बहुत मजेदार चीज है, क्या हम कुछ और ऐसा कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा इन द मनी चले जाएं, हम थीटा के लॉस को कम कर लें और अपने डेल्टा के बेनिफिट को भी मेंटेन कर लें, कर सकते हैं। 200 पॉइंट या 100 पॉइंट इन द मनी जाके देखिए, हालांकि यहां पर आप देख रहे हैं कि फार जाते ही आपको थीटा का बेनिफिट कोई बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, 157, 156, 157, 157 के आसपास ही है। तो मेरी समझ कहती है कि हम यहां पर, अगर हम ऑप्शन बायर हैं, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं 24,000 पर भी रुक सकता हूं, थीटा का बेनिफिट, थीटा का लॉस मुझे कम लगेगा मंथली एक्सपायरी में, और डेल्टा का बेनिफिट मुझे एटीएम पे ज्यादा लगेगा मंथली एक्सपायरी में। इस इंफॉर्मेशन को तसल्ली से अब्सॉर्ब कीजिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, जल्दी समझ नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन ग्रीक आज तक लोगों के भेजे में नहीं घुसते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में इतनी सरलता से किसी ने बताने की कोशिश ही नहीं करी, ये बता करके ये एक एक रुपया मिला करके कोई कोई एफर्ट लगाना ही नहीं चाहता आपके लिए। खुद लगाइए एफर्ट, ऑप्शन चेन को ओपन करके देखिए कि कहां पर लॉस ज्यादा है, कहां पर आपको बेनिफिट ज्यादा है। देखिए 24,000 पर अभी हमने क्या किया, एक मिनट आइए फटाफट से आइए, 4 जुलाई 24,000 पर 300 रुपए टूटेंगे, और वहीं 25 जुलाई 24,000 पर 150 रुपए टूटेंगे, क्या मैं कुछ और कर सकता हूं, कर सकता हूं। ये देखिए 29 अगस्त जाइए, 24 तारीख 24,000 देखिए सिर्फ 100 रुपए टूटेगा, क्या समझ आया। अगर ऑप्शन लेकर के रखनी है
लेकर के रखनी है, फॉरवर्ड करनी है, थीटा के लॉस को कम से कम करना है, तो आपको अपनी एक्सपायरी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्राइक प्राइस जो मतलब ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो ना, उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आगे लेकर जाओ, जितना आप नियर एक्सपायरी ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करोगे ना, आपको चारों तरफ से मार पड़ेगी। सबसे पहली मार आपको पड़ती है थीटा से मार पड़ती है, क्योंकि थीटा डिके है, ऑप्शन की वैल्यू खत्म होनी होनी है, ये उसका बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फीचर है। आपकी कलाकारी, आपका स्किल कहां पर है, आपने अब उस लॉस को मिनिमाइज करना है, और लॉस को मिनिमाइज करने का मैंने आपको लाइव सामने एक एग्जांपल दिखा दिया। कुछ मत करो, 24,000 की कॉल पर ना, इस बात को सिर्फ डाइजेस्ट करने की कोशिश करना कि 4 जुलाई पर अगर 24,000 की कॉल को अगर एक आदमी आज खरीद करके बैठ जाए, उसके कल 300 रुपए टूट जाएंगे, कल से मतलब है नए ट्रेडिंग सेशन में। और अगर 25 जुलाई की कोई खरीद के बैठ जाए, उसके 150 टूटेंगे। अगस्त की खरीद करके बैठ जाए, 100 रुपए टूटेंगे, सिर्फ 100 रुपए टूटेंगे। और कहीं गलती से भाई सब सितंबर की खरीद के बैठ जाए, 82 रुपए टूटेंगे। तो 300 रुपए के लॉस को आपने 82 रुपए पर ला करके रख दिया, सिर्फ थोड़े से थीटा के ज्ञान से। और कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं था, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, रियलाइजेशन नहीं है, हमें पता नहीं है, हम उसके इंपैक्ट को जानते नहीं है। ये चीज हम समझ पाए, आइए आपको कुछ और बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं, वो देखिए। आइए 4 जुलाई पर दोबारा आइए, अब एक काम और करते हैं। 24 अभी तक मैं आपको सेम स्ट्राइक प्राइस पर कुछ एक रियलाइजेशन दे गया कि मैंने स्ट्राइक प्राइस को सेम रखा, मैंने थीटा के लॉस को कैसे कम कर लिया, मैंने सिर्फ अपनी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को फॉरवर्ड कर दिया। मंथली, पहले मैं वीकली से मंथली चला गया, मंथली से फिर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, मैंने सारा का सारा डेटा देख लिया। अब मेरे से कुछ छुपा हुआ नहीं है, कम से कम मैं जानता हूं सामने कि भाई हाँ, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। ऑप्शन बायर हूं, पैसा मेरी जेब में है, ऑप्शन बाय करके चलना है। मैं नहीं खरीदूंगा भाई साहब वीकली, मैं तो मंथली खरीदूंगा, और हो सके तो मैं तो 2 महीने बाद की मंथली खरीद लूंगा, मुझे क्या आफत आ रही है। है तो निफ्टी ही ना, है तो 24,000 ही ना, पर कम से कम अगर बाजार ने कुछ भी ना करा, तो जहां पर मेरे 300 टूटेंगे 4 जुलाई को भाई साहब, वहां पर मेरे 100 पॉइंट टूटेंगे अगस्त सितंबर में, मेरे 200 पॉइंट खड़े खड़े बचा लिए भाई साहब। 200 पॉइंट का मतलब पता है आपको भाई साहब, 25 के हिसाब से 5,000 रुपए है, माफ कीजिएगा, हाँ मेरे ख्याल से 5,000 ही तो है। नहीं मैं कुछ, मैं एक मिनट के लिए मैं कर ही लूँ यार कैलकुलेशन, मैं कहीं गलती तो नहीं कर गया एक मिनट के लिए। चलिए मैं एक मिनट के लिए और आते हैं, कैलकुलेशन देख ले, पर मोटा मोटा आप कैलकुलेट करके आप डाल दीजिएगा, मेरे को एक मिनट लगेगा ही, तो मैं, मेरे दिमाग में वो चीज़ रह जाएगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन करके आप डालिएगा, मैं क्या दूसरे टेंजेंट पे डल गया, आइए देखते हैं और क्या, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ना दिमाग से निकल जाए, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 जुलाई पर आप हैं, 24,000 की कॉल है, यार आपने कहा नहीं यार, नहीं, आपको अब काम करना है आउट ऑफ द मनी में। आपने कहा यार हम आउट ऑफ द मनी काम करेंगे, आउट ऑफ द मनी की आपने कहा चले 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चलते हैं, पैसे कम है किसी कारण से, हो सकता है मेरे किसी भाई के पास पैसे कम हो, और आपको ये कन्फर्म्ड है कि बाजार यहां से तेजी से ऊपर भागेगा, आपको कन्फर्म्ड है कि बाजार तेजी से भागेगा, पर आपके पास पैसे कम है। आपने कहा यार चल 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, देख यार 2,000 में काम हो रहा है, थीटा का लॉस हो रहा है यार, 285 रुपए का लॉस है, ठीक है आपके सामने चल रहा है। अब आप एक काम करो, 25 जुलाई पर जरा 24,200 को देखो क्या हो रहा है, 24,200 को 285 वाला 150 रुपए का लॉस रह गया, कुछ नहीं किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी फॉरवर्ड कर दी। प्रीमियम ज्यादा लगेगा नो डाउट, अगर कोई चीजें महंगी हैं उनका बेनिफिट लेना है तो मार्जिन होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 2,000-4,000 रुपए में 5,000 में आपको कोई स्ट्रेटजी बना करके दे दूंगा, पर मैं आपको कम से कम रियलाइजेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने थीटा के लॉस को कैसे कम से कम कर सकते हो। आप आउट ऑफ द मनी में जाकर के भी ना, आप आउट ऑफ द मनी बैठे हो 24,200, सिर्फ आप मंथली एक्सपायरी चले गए, थीटा का लॉस इमीडिएटली 150 रुपए रह गया। आपको और चीज दिखाता हूं, ये देखो अगस्त में जाओ 24,200 जाओ, 100 रुपए रह गया आउट ऑफ द मनी में भी भाई साहब, आपका थीटा का लॉस 100 रुपए कर दिया। और लो कहीं सितंबर चले गए तो फिर और देख लो 80 रुपए। तो जहां पर आपको 4 जुलाई में 280-200 रुपए टूट रहे हैं, वहां पर आपने 24,200 रखी, निफ्टी को रखा 24,200 को रखा, और कुछ नहीं किया आपने, अपनी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को 2 मंथ 3 मंथ फॉरवर्ड कर दिया सिर्फ थीटा के लॉस को कम करने के लिए। इसके ऊपर भी कई स्ट्रेटजीज बाजार में है, लोग आपको ये कहने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन खरीदनी है ना, वो स्ट्रेटजीज काम की हैं। मैं यहां पर कहूं वो स्ट्रेटजीज काम की हैं, कई बड़े बड़े सज्जन लोगों ने वो स्ट्रेटजीज बनाई है, उनके पीछे का साइंस ये है कि अगर आपको ऑप्शन ही बाय करनी है,
सस्ती ऑप्शन बाय करनी है और आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप महीना दो महीना तीन महीने का बड़ा 1,000-1,500-2,000 पॉइंट का स्विंग आप कैप्चर करना चाहते हो, आप 1 आवर 1 डे पे काम करना चाहते हो, आप ये काम ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? कि आपने महीने दो तीन महीने का आपका व्यू हुआ और आपने देखा कि आपका चार्ट आपको कह रहा है 1 आवर 1 डे पे कि बाजार में तेजी है और तेजी आपकी 1,000 पॉइंट की आप तेजी खा सकते हो या 1,500 पॉइंट की या वॉट एवर जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, वहां पर आपने क्या करा, आपने एट द मनी, वैसा तो मैं आपको सजेशन दूंगा एट द मनी, एट द मनी के बेनिफिट बड़े ज्यादा होते हैं। एट द मनी पे सबसे पहले तो कोई थीटा का लॉस भी इतना ज्यादा जानलेवा नहीं होता फार्म में, और दूसरा डेल्टा का बेनिफिट बड़ा तेजी से आता है, पर स्टिल आप पैसे भी बचाना चाहते हो तो फिर आपके आवास ऑप्शन है। कि आपने अगर आउट ऑफ द मनी में भी ऑप्शन बाय करनी है ना मेरे भाई, याद रखना आउट ऑफ द मनी बोल रहा हूं मैं, इन द मनी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो भाई साहब बिल्कुल खालिस हीरा होती है वहां पर, तो वो तो ट्रेड करने का असली नजारा ही इन द मनी में, पर समहाउ आपका थॉट अभी इतना डेवलप नहीं है कि आपको आउट ऑफ द मनी की दुनिया में आप घूम रहे हो, तो आउट ऑफ द मनी की दुनिया में भी एक बार मेरे कहने से चेक करना और आप अपनी ऑप्शन चेन में जाकर के एक बार फार एक्सपायरी चेक करना, महीने दो तीन महीने वाली एक्सपायरीज में चेक करना और वहां जाकर के देखना कि जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं क्या यही डेटा आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, कहीं मैंने यहां पर कुछ इसको मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया कि वीडियो को बेहतर करने के लिए, आप लोगों को एक्साइट करने के लिए, कहीं मैंने यहां पर कोई मैनिपुलेशन नहीं दिखा दी, ये आप देखना चेक करना और हो सके तो कमेंट में लिख करके बता देना। खैर ऑल इन ऑल मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या अचीव करना चाहता था वो ये कि जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो डर है ना, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो थीटा डिके है। थीटा डिके को काबू करने के मैंने आपको दो तीन तरीके बताए, वो तरीके बड़े 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 सरल सरल तरीके बताए मैंने आपको। बड़ा आसान तरीका है कि सबसे पहले आप उठ करके नियर एक्सपायरी में ट्रेड करना बंद करके ना फार एक्सपायरी में ट्रेड करना शुरू कर दो, पहला। दूसरा, कम करना चाहते हो तो इन द मनी चले जाओ, जो हमने यहां पर देखने की कोशिश की, 25 जुलाई का एक एग्जांपल ले लो, चलो इन द मनी का अगर आपको थोड़ा सा करना है तो एक बार आप 4 जुलाई का लो, आप एग्जांपल बता रहा हूं आपको क्या, कि आप जैसे ही 24,000 से उठ करके अगर आपको किसी कारण से वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है, आप नहीं मानते वीकली में ही ट्रेड करना है और इंट्राडे में कोई पोजीशन खत्म करनी है और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो वहां पर भी आप एक काम कर सकते हो कि वहां पर आप उठ करके 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट इन द मनी जाओगे तो थीटा के इंपैक्ट को कब कर लोगे। पहली चीज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, सिर्फ हमने इस एक्सरसाइज में ये देखा डिफरेंट तरीके, डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमने ये निकालने की कोशिश की कि यार मैं थीटा के लॉस को कैसे कम करूं, मैं ऑप्शन बायर हूं और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन थीटा डिके है, मैं उसे कम कैसे करूं। तो कम भाई साहब आप ऐसे कर लो कि थोड़ा सा आप इन द मनी चले जाओ और दूसरा हो सके तो आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को फार एक्सपायरी कर दो, आपका काम हो जाना है। अब आती है बात ऑप्शन सेलर की, ऑप्शन सेलर क्या करे, ऑप्शन सेलर बिल्कुल इसका विपरीत कर दे, नियर मनी नियर एक्सपायरी बेचना शुरू कर दे, 4 जुलाई की एक्सपायरी देख लो, 24,000 पर सबसे ज्यादा थीटा का बेनिफिट उसे वही मिलेगा। जो ऑप्शन सेलर होता है ना, ऑप्शन सेलर की जो रोजी रोजी रोटी होती है ना भाई साहब, सिर्फ वो थीटा ही होता है और कुछ नहीं होता। ऑप्शन सेलर बराबर है प्रॉफिट बराबर है थीटा डिके, ऑप्शन सेलर को सिर्फ थीटा मिलता है और कुछ नहीं मिलता, और ऑप्शन बायर का थीटा ही जाता है और कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो तुम्हारी जेब से जाता है वो सेलर की जेब में आ जाता है। अब जो मर्जी बन जाओ, बायर बनना है तो बायर बनकर के अपनी गेम सुधार लो, सेलर बनना है तो सेलर बनकर अपनी गेम को सुधार लो, सेलर हो नियर एक्सपायरी आओ एट द मनी आओ, अपने आप गेम आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक चीज दिखा देता हूं आपको, मंथली पे दिखा देता हूं, ये लो 25 जुलाई पर आपको, आपको अभी दूसरे पर्सपेक्टिव से देख लो, आप ऑप्शन सेलर हो, जुलाई में आपको रोज 150 रुपए का बेनिफिट है, 24,000 स्ट्राइक पे रोज का 150 मिलेगा, अगस्त में 24,000 पे आपको रोज का 100 रुपए मिलेगा और सितंबर में 24,000 पे भाई साहब आपको रोज का 80 रुपया मिलेगा। सीधा सीधा सा ये कॉन्सेप्ट है, सेलर हो नियर एक्सपायरी आ जाओ, एटीएम पर रुको। एक चीज और आपको बतानी जरूरी है, पहले ये बात कंप्लीट कर लेता हूं, ऑप्शन सेलर हो तो नियर एक्सपायरी जल्दी जल्दी आओ, वीकली एक्सपायरी में आओ, मंथली में ट्रेड करते हो, दो तीन मंथ में ट्रेड करते हो तो नियर मंथ को सेल कर दो, क्योंकि आपको वहां पर थीटा का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। पहली चीज, आमतौर पर बंदा कहां ट्रैप होता है वो देखो, 4 जुलाई पर आओ, अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, 4 जुलाई पर अब ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन सेलर 24,000 को सेल करता है तो भाई उसको 300 पॉइंट मिलते हैं, 24,000 को सेल करता है, 24,100 को सेल करता है, जैसे ही आप आउट ऑफ द मनी जाते हो ना यार, देखो 2-3 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कोई परेशानी नहीं है, 2-3 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आप ज्यादा दूर जाकर के बेचने की कोशिश करते हो ना, 24,000 पर बैठे हो 24,500 बेचने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, थीटा वैल्यू कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, थीटा का इंपैक्ट आउट ऑफ द मनी में कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है, याद रखना थीटा का इंपैक्ट, थीटा का गेन अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है
एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर मार्केट रेंज बाउंड है और वोलेटिलिटी नीचे गिर रही है, वोलेटिलिटी क्रैश कर रही है, हालांकि आने वाला वीडियो वोलेटिलिटी पर है और विश्वास जानिए कि वोलेटिलिटी पर वो वीडियो देखने के बाद चांसेस है कि शायद आपको वोलेटिलिटी पर कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, जिसमें हम पूरा का पूरा वोलेटिलिटी का 360 डिग्री व्यू लेकर के आपके सामने रख देंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इंडिया विक्स भी कर देंगे, वेगा भी कर देंगे, आईवी भी कर देंगे, वोलेटिलिटी भी कर देंगे, डिटेल वीडियो होगा, पर मुझे जो जो पता है मैं सब कुछ बता दूंगा मेरे भाई उस वीडियो में, जरूर देखना समय निकाल करके उस वीडियो को। बताना यह चाहता हूं आपको कि फर्ज कर लो कि वोलेटिलिटी गिर रही है, इंडिया विक्स गिर रहा है, मार्केट में कहीं कोई पैनिक नहीं है, कोई कोई उथल पुथल कुछ नहीं है, और दूसरा मार्केट रेंज बाउंड है, अब ऐसे में क्या करोगे, आपको थीटा का ही बेनिफिट लेना है ना, ऑप्शन को सेल करके चलना है ना, तो कंसीडर सेलिंग एटीएम ऑप्शंस, एटीएम या उसके आसपास की बेचने की कोशिश करना। क्या बेनिफिट होगा कि एटीएम और उसके आसपास की बेचने से आपको थीटा का जो बेनिफिट है ना वो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा दूर दूर जाकर के बेचने की कोशिश करोगे ना, 400-500 पॉइंट दूर बेचने की कोशिश करोगे तो वहां पर आप देखो वहां पर थीटा का इंपैक्ट कम है, जहां पर आपको रोज के 300 मिल सकते हैं वहां पर आपको रोज के 150 मिलेंगे, क्या फायदा, ऑप्शन को सेल करके चल रहे हो ना। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि थीटा का इंपैक्ट जो है ना वो कौन सी स्ट्राइक पर क्या कलाकारी करके दिखा रहा है, वीकली भी समझो मंथली भी समझो, गेम आपको अपने आप समझ आ जानी है। मेरे भाई थीटा पर आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ बात समझ आई नहीं आई, क्या मैं आपको अपनी तरफ से कुछ क्लैरिटी थीटा पर दे पाया, क्या आपको लगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प कर सकती है ट्रेड लेने में, आपके जो भी थॉट्स हो यार, जो भी किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो आप मुझे प्लीज लिखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगे कि मैंने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पर कहीं छोटी मोटी कोई हेल्प करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक समझो तो किसी को शेयर कर देना, हो सकता है किसी और भाई के काम आ जाए ये इंफॉर्मेशन। एक आ दो छोटे छोटे डिस्क्लेमर्स हैं, इंफॉर्मेशन हैं, अगर आप चाहो तो आप मुझे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में मेरे नाम मेल आईडी के नीचे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मेरा नाम मयंक फाइंड करके मुझे पर्सनलाइज मैसेज भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप मुझे मेल भी लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने से एक दो बेनिफिट होंगे कि जो भी हम अपनी तरफ से कोई एजुकेशनल कॉन्टेंट शेयर करने की कोशिश करते हैं कभी कभी वो डाल दिया करेंगे, आप देख लो हेल्प करेगा। उसके बाद जो भी वीडियोस आने वाले होते हैं उसकी नोटिफिकेशन वहां पर भी मिल जाती हैं तो थोड़ा सा अपडेट रहता है, वो भी हेल्प करेगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर और है, मैंने हाल फिलहाल में ऑब्जर्व करा है लोग हमारा नाम यूज करके, मेरा नाम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन चैनल का नाम यूज करके आपको किसी ना किसी तरीके से एंटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कोर्सेज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टिप्स ट्रिक्स, आपको कहीं कुछ वीआईपी चैनल्स ज्वाइन करने के लिए एंटाइज कर रहे हैं, वो टेलीग्राम्स पर भी हैं, शायद व्हाट्सएप पर भी हैं, शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, प्लीज़ आप उनका थोड़ा सा नोटिस में रखिए, मेरी तरफ से ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा कोई भी इंडोर्समेंट मेरा नहीं है, हमारे पास आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, हम आपको बार बार कहते हैं हम आपको कभी भी कोई वीआईपी मेंबरशिप या ऐसी कोई चीज़ नहीं बेच रहे, हम आपसे कहीं पर भी कुछ भी पैसा नहीं ले रहे और नहीं लेना चाहते, हमारे पास आपको देने के लिए ज्ञान है यार, वो हम निस्वार्थ भाव से देते रहते हैं, वीडियोज़ बनाते रहते हैं, आप इनको यूज़ करो, लाइव ट्रेडिंग में अप्लाई करो, सीखो, ग्रो करो, आगे बढ़ो यार। ऑल इन ऑल जो आपको चैनल से, जो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के चैनल से जो मिल रहा है वो जेन्युइन है, जो आपको टेलीग्राम मेरा जो टेलीग्राम का वहां पर है कि वहां पर फोटोग्राफ भी सेम लगा रखी है लोगों ने, उसको तो मैं नहीं, उनको तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, पर आप अपने आप को कंट्रोल ऐसे कर सकते हो कि शायद उसमें 960-970 मेंबर्स हैं, वो चैनल जेन्युइन है और आप उसमें देख लेना जाकर के, हम आपको अपनी तरफ से कभी भी ना वहां पर कोई आपसे कुछ कुछ मांगा ही नहीं जाएगा, आपको कुछ भी नहीं बेचा जाएगा, वहां पर कभी कोई कम्युनिकेशन फालतू होता ही नहीं है, सिर्फ उतना होगा कि जी ये वीडियो इतने बजे आ रहा है या ये कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम आपको कभी कभी वो शेयर कर देते हैं, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रख लो। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ, इजाजत लेता हूँ, डेफिनेट कोशिश करूंगा जल्दी मिलूँ, नए होप्स के साथ, नई मोटिवेशंस के साथ, नई इंस्पिरेशंस के साथ मिलूँ और आपको कुछ ऐसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे मेरे भाई, ये मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इतना स्किल आपका मैं डेवलप करवा पाऊँ। फिलहाल टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।